फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द असाज किचन। आज हम बनाएंगे पिज्जा का। बहुत इजी रेसिपी है, 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और जब बच्चों को भूख लगती है, छोटी मोटी भूख के लिए, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। शर्म चके देखो पिज्जा स्लाइस, फोटो खींचो इंस्टाग्राम, पिज्जा एक कितने लाइक, शर्मा गरम है तो शर्म चके देखो पिज्जा स्लाइस, पिज्जा मेरा पिज्जा तेरा, हर कोई बोले वेरी नाइस, पिज्जा कटेगा सबने बटेगा तुझे। आज हम बनाएंगे पिज्जा कप, जिसके लिए हमने ब्रेड के स्लाइस लिए, कम से कम 8 से 10 स्लाइस लिए हैं। और सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे, और मैंने ना एक छोटा सा प्याज था उसको बारीक कट कर दिया है, और एक कैप्सिकम कट कर दिए बारीक, आप अदर वेजिटेबल भी ले सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी पनीर ली है जिसको बारीक कट कर दिया है। इसके अंदर हम लोग डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन भी डाल सकते हो, बट मेरे पास है ना ब्लैक ऑलिव ही अवेलेबल है, ऑप्शनल है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे ये जो स्पून है, ये आधा स्पून डालेंगे हम लोग चिली फ्लेक्स, और ये वाला स्पून हम लोग डालेंगे आधा स्पून ऑरिगेनो। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे वाइट मेयो डालेंगे 1 चम्मच, ये देखिए, और 1 चम्मच ही हम लोग डालेंगे हमने जो तंदूरी मेयो लिया हुआ। इस सहायता से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, करके मिक्स कर दिया। अब हम लोग इसके अंदर एक चीज़ क्यूब्स लेंगे, हमने अमूल की चीज़ ली है, आप अदर वेजिटेबल भी ले सकते हैं। अब चीज़ को इसके अंदर अच्छे से ग्रेट कर देंगे। बहुत इजी रेसिपी और बच्चों को बहुत पसंद आती है और जल्दी भी बन जाती है। फ्रेंड्स, अब हमने चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर दिया, अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। हमारा जो पिज़्ज़ा कप का बेस था वो रेडी हो गया है। अब हमने एक है ना वो लिया है फ्राई पैन, आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो 10-15 मिनट के लिए, बट मैं फ्राई पैन में बता रही हूँ। अब इसको हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया, कम से कम 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको प्री हीट करेंगे। अब हम लोग ब्रेड के स्लाइस लेंगे, और हमने एक ये कैप लिए, उसे हम लोग इनको कट करेंगे। कटने के बाद हम बना रहे हैं पिज्जा कप्स, फिर हम लोग ऐसे कट कर लेंगे। है ना, कटर तो था नहीं, बट है ना एक हमारे पास कैप थी बॉक्स की, उसकी सहायता से हमने ये कट कर लिया। अब इसके अंदर से हम लोग वापस छोटी सी कैप ये ऐसे हम लोग ये कट कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो पिज्जा कप्स रेडी हो जाएंगे। देखो, हमने एक प्लेन ब्रेड कट की और ये 2 हमने रिंग्स की तरह कट कर लिया। अब हम लोग पिज्जा सॉस को इस ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे, वापस हम लोग रिंग रखेंगे। ये हमारी सेकंड लेयर भी हो गई। इसके अंदर हमने जो पिज्जा कप्स के लिए जो हमने इसकी स्टफिंग रेडी की थी वो इसके अंदर हम लोग कर देंगे। अब हमने स्टफिंग डाल दी, और इसके ऊपर हम लोग तो ऑलिव्स रख देंगे। इसके ऊपर हम लोग चीज़ को ग्रेट कर देंगे। हमारे जो हमने पिज़्ज़ा कप्स बनाए थे वो रेडी हो गए, स्टफिंग हो गए। अब इसके ऊपर हम लोग ग्रेटेड की हुई चीज़ डाल देंगे, और ऑलिव से हमने गार्निश कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग चिली फ्लेक्स प्लेट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और इनको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने प्यारे लग रहे हैं हमारे पिज्जा कप। अब इसके ऊपर हम लोग बटर से है ना इसको ग्रीस कर देंगे किनारे। बटर से इनको ग्रीस कर दिया है। अब हम लोग इनको
टू 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 15 टू 20 मिनट्स के लिए इनको बेक करेंगे। आप माइक्रोवेव में भी 15 मिनट्स के लिए कर सकते हो 180 डिग्री पे, बट मैं ना आपको फ्राई पैन में करके बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने जो पिज़्ज़ा कप बनाए तो वो हमारे अच्छे से बेक हो गए हैं, ये देखिए। हमने आज बनाए थे पिज़्ज़ा कप्स, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बिल्कुल 20 मिनट्स में बन गई और बच्चों को बहुत पसंद आती है। छोटी मोटी भूख के लिए आप ईजी से बना सकते हैं, माइक्रोवेव बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय।